क्या कहना चाहेंगे वैशाली नगर की जनता? राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हमने पूरे मुंबई भर में चौक सभा का आयोजन किया है। इस चौक सभा के माध्यम से हम पूरे मुंबई में घूम रहे, हर गली नुक्कड़ पे खड़े होकर बात कर रहे, लोगों से मिल रहे हैं कि देश की सरकार से आपको क्या अपेक्षा थी, आपने मोदी जी को साथ दिया था वो किन अपेक्षाओं से दिया था और क्या वो आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई है। तो बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हम लोगों से बात कर रहे तो लोगों की अपेक्षाएं जान पड़ रही है। लोग इस सरकार से 15 लाख की अपेक्षा से लोगों ने वोट दिया था, लोगों ने सरकार को वोट दिया तो लोग कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार कम होगा, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए आएंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी, रोड अच्छे बनेंगे, सड़कें अच्छी बनेगी। साथ ही साथ में लोग चाह रहे थे कि मुद्रा लोन के माध्यम से रहे या रोज़गार बढ़ाने के माध्यम से रहे। जिस प्रकार से मोदी जी ने युवाओं को कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देगा, ऐसी कई छोटी बड़ी अपेक्षाओं के साथ में मोदी जी के साथ में युवा वर्ग ने विशेषता खड़े रहने का काम किया था। लेकिन अगर आप आज 5 साल के बाद देख रहे हो तो लोगों से जब हम मिल रहे हैं तो महिलाएं कह रही है कि 350 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, आज कहीं जाके 1200 रुपये का हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई है, 15 लाख रुपये का वादा जो किया था वो नहीं पूरा हुआ है, स्कूल नहीं बने हैं, अस्पताल नहीं बने हैं, पायाभूत सुविधा है जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं वो नहीं हो पाया है। मेक इन इंडिया रहेगा, स्टार्टअप इंडिया रहेगा या मुद्रा लोन जैसी योजना थी जो एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने की बात मोदी जी ने कही थी, नया बिजनेसमैन वर्ग एक नया निर्माण करने की बात की थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं मोदी जी फेल लग रहे हैं। और ऐसी कई सारी समस्याओं से एक भूखा आदमी जो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए जातिवाद छोड़ के, सांप्रदायिकवाद छोड़ के या राजनीति छोड़ के जो एक सामान्य आदमी अपने पेट और परिवार के लिए जीता है, वो आदमी में कहीं ना कहीं दुख दिख रहा है और उसके दुख में हम साथ में खड़े रह के आने वाले भविष्य को कम से कम ठीक कर सके, इसके लिए यहाँ पे आए। वैशाली नगर की जनता की अगर बात करें तो स्कूल और साथ ही साथ हॉस्पिटल की जो है मांग लगातार उनकी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें भी फेल रही, क्या कहना चाहिए? बीजेपी का तो क्लियर कट एजेंडा है कि अगर हर जगह पे स्कूल रहेगा या हॉस्पिटल्स रहेगा या रोज़गार बढ़ाने का साधन रहेगा, अगर हर जगह पे गवर्नमेंट ने बना दिया तो ये लोग हमारे पास सीधे नहीं आएंगे। बीजेपी एक बिजनेसमैन लोगों की पार्टी है जो हमेशा चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, गरीब की हालत और खस्ता हो जाए। और वो जैसे हमने मदर इंडिया पिक्चर में देखा था कि साहूकारी एक कम्युनिटी रहती थी, साहूकारी कम्युनिटी को बढ़ावा देने वाली पार्टी, ये लोग चाहते कि हमारा धंधा जो है वो लोगों को ब्याज पे पैसे दे और लोग हमारे पास कर्जा लेके हमारे गुलाम बन जाए। इसलिए ये बीजेपी से उम्मीद ही करना कि ये स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों की गलती रहेगी।